इमरा शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। जूही से पीरबख्श बब्बर की रिपोर्ट के मुताबिक जूही म्यूनिसिपल दादों में करोड़ों की करप्शन फ्रॉड में 4 माह जेल काटने वाले ऑफिसर को म्यूनिसिपल जूही में तैनाती। 6 माह के अंदर करोड़ों रुपए को चूना लगाने। करप्शन फ्रॉड के बाद शहर में बढ़ती गंदगी, गंदे नालों के पानी घरों में दाखिल होने के खिलाफ सियासी समाजी शहरियों का जूत तहरीक एहतजाज कॉल पर म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, नाका चौक पर धरना। इस सिलसिले में नौजवानों की जूत तहरीक की जानिब से शहर में बढ़ती गंदगी के ढेरों, करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद तरक्याती काम ना करने पर एडवोकेट अय्यार अहमद रंद, हफीज लगारी, अहमद बब्बर, जुल्फिकार जमाली, दस्तगीर रंद गुलाम, कादिर लगारी, सानून बब्बर दीगर की क्यादत में मखदूम बिलावल पार्क से नाका चौक पर धरना दिया। जूत तहरीक सियासी समाजी शहरियों ने बताया कि शहर की सफाई तरक्याती कामों के लिए माहवार करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद शहर तरक्याती कामों का नाम और निशान नहीं है, मगर सफाई, गंदे नालों की सफाई ना होने से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है। बार बार एहतजाज के बावजूद कोई नोटिस नहीं लिया गया। जूही म्यूनिसिपल में इस वक्त तैनात म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि दादू म्यूनिसिपल में करोड़ों रुपए की करप्शन फ्रॉड में जेल काट कर आया है और एंटी करप्शन महकमा बल्दियात की इंक्वायरी में मुलविस को हल्के के असेंबली मेंबरान की असर रसूख पर म्यूनिसिपल जूही में तैनात के बावजूद 6 माह के बाद अंदर करोड़ों रुपए को चूना लगाने, करप्शन फ्रॉड के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमारी एहतजाजी तहरीक करप्शन के खात्मे, शहर में तरक्याती काम, सफाई करने तक जारी रहेगी।